हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं 134 से नियम को लेकर काफी डिस्प्यूट हुए और अब सरकार एक दूसरी से 12वीं क्लास तक के दाखिलों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है, जो कि अभी विद्यालयों के लिए है। अभी ये देखना है कि ये जो योजना है कितनी सिरे चढ़ती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि योजना क्या है। अभी आपको मैं बता रही हूँ कि सिर्फ ये स्कूलों के लिए अप्रूवल के लिए भेजा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर मैंने आपको बताया था, जिनकी आय जो है फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है, वो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, उन बच्चों के लिए ये स्कीम है। इसमें कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट दूसरी से 12वीं कक्षा में अपना एडमिशन करवाना चाहता है, इस संबंध में विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल ओपन किया गया है। आप ये ध्यान रखिए कि अभी सिर्फ विद्यालयों के लिए ये बोला गया है और ये पोर्टल 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए है, जिसमें सरकार ने उनको ये कहा है कि दूसरे से पांचवी कक्षा तक के लिए प्रत्येक छात्र के 700 रुपए, छठी से आठवीं तक के छात्रों के लिए 900 रुपए और नौवीं से बारहवीं तक के छात्र के लिए प्रति छात्र 1100 रुपए मासिक फीस, या फिर जो फॉर्म 6 है उसमें जितनी भी राशि शुल्क घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी कम होगा तो ये विद्यालय को पे किया जाएगा। ध्यान रखें कि ये जो राशि पे की जाएगी वो पेरेंट्स को नहीं करनी है, वो पे करेगी सरकार। लेकिन विद्यालयों से कहा गया है कि 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक इसके रिगार्डिंग जो भी स्कूल जो है तैयार होते हैं, अभी कितने स्कूल इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, जितने स्कूल इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपनी सहमति देते हैं, उसके बाद ही आगे के डिसीजंस लिए जाएंगे। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है harpathmic.gov.in, यहाँ पर आपका ये लेटर है। तो ध्यान रखें, ये जो लेटर आया है सिर्फ विद्यालयों के लिए है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, हम आपको जरूर इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, न्यूज देते रहेंगे। हमारा काम है आपको जो भी नई अपडेट आती है उसके बारे में बताना। तो आप हमारे साथ बने रहें इसी तरह की बाकी न्यूज के लिए। थैंक यू।